हम इस समय भोपाल झीलों के शहर भोपाल में नहीं हैं, हम इस समय गोरखपुर के रामगढ़ताल नौका विहार में हैं और आए दिन कुछ ना कुछ बेहतर नौका विहार कर रहा है, चाहे वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनने की बात हो, लग्जरी क्रूज की बात हो, तो लगातार रामगढ़ताल रोजगार के साथ कुछ बेहतर कर रहा है और यूपी का सबसे बेस्ट जगह बनकर आया है। तो यही हम जानने समझने के लिए आए हैं कि जिस तरह से गोरखपुर लगातार पर्यटन का केंद्र पहले भी रहा है, चाहे वो गोरखनाथ मंदिर हो, चाहे वो गीता प्रेस हो, चाहे वो गीता वाटिका हो, लेकिन खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में गोरखनाथ मंदिर के चलते गोरखपुर जाना जाता रहा है, लेकिन उसी कड़ी में ये रामगढ़ताल अपनी छटा बिखेरते हुए, मतलब ये सीधे कहें तो पर्यटन का जबरदस्त केंद्र बन रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव सानी जी हैं, इनसे जानेंगे कि अभी और क्या क्या करने वाला है ये नौका विहार। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इस जगह को आपने इतना प्रोत्साहन दिया है अपने चैनल पे, और रही बात यहाँ की अभी इसके बाद क्या इसमें परिवर्तन और आने वाला है तो हम बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उस तरफ जो बोट चल रही है, वो बोट उसी तरह की बोट हम भी 2-3 अपने पास और लेके आने वाले हैं, जो कि इससे बड़ा है। इस पर पार्टी बोट होगी, इस पर पार्टी बोट नहीं कर सकते, लेकिन जो हम बोट ला रहे हैं उससे पूरा पार्टी कर सकते हैं, पूरा फैमिली के साथ में रेस्टोरेंट डिनर, कोई छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पूरा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। गौरव सानी है, जब इनसे मेरी बात हो रही थी तो गौरव जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इसलिए हम इस स्टीमर पे चले आए। स्टीमर बोलते हैं क्या बोलते हैं, आपका स्पीड बोट है, स्पीड बोट पर हम चले आए। इन्होंने कहा कि रोज मेरे पास रिज्यूम आते हैं रोजगार के लिए, और हमने रोजगार भी दे रखा है लगभग इसी नौका विहार पे। बोटिंग से जुड़े हुए 40 से 50 लोग हैं, लेकिन गौरव ने वो बात कही, क्या गजब की बात कही। इन्होंने कहा कि ये नौका विहार और ये रामगढ़ताल खूबसूरती ही नहीं दे रहा है, पर्यटन के लिए लोगों को बुला नहीं रहा है, रोजगार को भी बुला रहा है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, जो कि यहाँ पे डेली का डेली जो भी बच्चे बेरोजगार हैं हमारे पास आते हैं कि भैया मुझे काम चाहिए, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो, लेकिन मेरे पास जो है सबके लिए कोई ना कोई काम जरूर से है। अभी और कितना देने की, ये तालाब कितना सोच दे रहा है गौरव? यही 2017 के पहले तालाब हुआ करता था, और अगर 17 के पहले हम इस पे बैठे होते तो शायद नहीं जा पाते, इतनी जबरदस्त जलकुंभी इस पे हुआ करती थी। एक सोच बदलती है, गोरखपुर से सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, जब वो सांसद रहे आवाज उठाते रहे, और आज यही रामगढ़ताल कितना अवसर दे रहा है, कितना दे रहा है। हम तो कहेंगे महाराज जी के गोरखपुर आने के बाद से जो इसका बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ को, इसके पहले गोरखपुर को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज के समय में अगर गोरखपुर का कोई भी बच्चा चला जाए और कहे कि मैं गोरखपुर से आया हूँ तो लोग तुरंत पहचान जाते हैं, अच्छा वो महाराज जी की सिटी से हैं, गोरखपुर से हैं और ये गोरख मंदिर के पीठ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले नहीं पहचानते थे कि गोरखपुर शहर कहाँ का है, तो अब सभी लोग जानने लगे हैं कि हाँ गोरखपुर भी एक जगह है। गौरव, आपके पिताजी राधे श्याम सानी जी चेन्नई चले जाते हैं, वो गोवा चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, बनारस से वो होकर आए हैं और इस तालाब में नया कुछ करने जा रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन शासन GDA और या कहिए तो, और यहाँ जो अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाते हैं, और जब प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन आपको दे दी जाती है कि अब आप यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो नया नया आप कर रहे हैं, क्या और कुछ नया करने वाले यहाँ पे? जैसे कि अभी हम कुछ महीनों बाद लेकर के आने वाले हैं पैरासीलिंग अभी तक यहाँ कोई कराता नहीं है, तालाबों में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसकी पूरी तैयारी बना ली है कि पैरासीलिंग भी यहाँ से अब हम कराएंगे। जेट स्की में बनाना राइड्स है, कायकिंग है, कैनोइंग है, सेलिंग है, डिंगी सेलिंग है, कई तरह के ऐसे एडवेंचर और नॉन एडवेंचर फैमिली वाले बोट्स, ये सभी तरीके के बोट्स हम ला करके यहाँ पे अब डाल रहे हैं। कई सारे बोट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि आप देखे ही होंगे, बेसमेंट में रखा हुआ था किनारे, तो अब धीरे धीरे सारा चीज़ हम यहाँ पे ला करके डालने की पूरे प्रयास में हैं। मिनट रोकेंगे, ये रामगढ़ताल के लहर नहीं है, ये उम्मीदों की लहर है, और ये रामगढ़ताल की जो लहर है, कुछ दिन पर इसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा, कुछ समय में आप देखेंगे क्रूज डिनर यहाँ आने वाला है, और ये लहर, इसी लहर पे बैठ के आप इंजॉय कर रहे हैं, और कितना खूबसूरत ये सोच बदला है। ध्यान से देखिए, जरा सानू कैमरा चारों तरफ घुमाइए और दिखाइए, वो क्या है, रेड स्वान फेरी है,
वो रेड स्वान फेरी है बनारस के तर्ज पे वो यहाँ आया है, सी प्लेन भी उतारने की ये योजना है। तो आप इस तालाब में देखिए कुछ दिन बाद यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होने वाला है, ये जैसे बता रहे हैं। कौन सा रेस्टोरेंट आपके यहाँ? द सेलर रेस्टोरेंट अभी हम फिलहाल चालू कर चुके हैं, और जो तालाब में बनने वाला है द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वो भी कुछ समय में चालू, 3 महीने के अंदर हाल में चालू हो सकता है कि हाँ वहाँ अब पानी के ऊपर भी आप पूरे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट का मजा लेक पे पूरा आनंद उठा सकते हैं। पहले तालाबों का शहर कहिए, झीलों का शहर कहिए, भोपाल मध्य प्रदेश में जानते थे, लेकिन ये जिस तरह से आप नौका विहार और रामगढ़ ताल ये दे रहा है नए नए अवसर, और गौरव आप जैसे युवाओं को सोचने पे मजबूर कर रहा है। सोचो ये तालाब कर रहा है, आप सोचो कितना सोच पाते हो। तो आप नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ दिक्कतें आई हैं, देख रहे हैं भीड़ कम हो रही है और जिस तरह से पुलिस की बैरिकेटिंग आगे लग रही है, कितना फर्क आपके यहाँ नौका विहार पे, यहाँ आपके मेन पॉइंट पे पड़ा है? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कुछ चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है तो उसकी कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो हमारे बिजनेस पे थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन उसके अलावा देखेंगे कि जो ट्रैफिक कानून नियम है उसमें बहुत सुधार आया है। उसकी वजह से हमें थोड़ा सा तकलीफ इसलिए हो रहा है कि जो पर्यटक पहले आते थे यहाँ पे तो अब वो यहीं से रास्ता पहले से रास्ता अपना मुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा जो भी लोग हैं यहाँ आए उसमें डरने की बात नहीं है, आप लोग अपना नियम कानून गौरव रोकना चाहूँगा, नियम तो नियम है, ये लाइफ जैकेट ना मैं पहनूं और कोई दिक्कत हो तो दिक्कत हमारे लिए हो जाएगी। वो बिना हेलमेट का आ रहे हैं, मैंने स्टोरी कवर की है, देख रहे हैं कि लगातार जो चौराहे हैं वहाँ से ये अलाउंस किया जा रहा है, कृपया आप हेलमेट लगा के चले, सीट बेल्ट लगा के चले। लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, गोरखपुर की पुलिस है, लगातार बेहतर काम कर रही है, किसके लिए वो कर रही है, हेलमेट लगाना किसके लिए? बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं कि अगर हम इस बोर्ड पे घूम रहे हैं, अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है, कहेंगे नहीं लेकिन फिर भी दुर्घटना हो जाती है, तो ये लाइफ जैकेट है हमें डूबने से बचाएगा। ऐसे ही आप बाइक पे चल रहे हैं या कार में चल रहे हैं तो वो हेलमेट देखने के लिए तो आपको भारी लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी जान बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और हम तो यही कहेंगे कि अपने जान से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपके लिए आपके अलावा कई लोग सोचने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो है गोरखपुर के कुछ कायदे कानून वो अपना पालन करेंगे उससे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। और आपके गौरव कितना रोजगार देने का लक्ष्य है? युवा आप भी हैं, रोजगार को आप समझते हैं, एक युवाओं की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि यही समय होता है, युवा परेशान होता है, हाथों में पैसे की जरूरत होती है। और देखिए आगे चले जाइए, हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है ठेला के माध्यम से, जो जिस क्षमता में है ना। तो गौरव आगे आपका लक्ष्य, अगर सब कुछ बढ़िया चलता है, क्या लक्ष्य? फिलहाल जो मेरा जो भी काम चल रहा है अभी फिलहाल में, इसके हिसाब से मैं, मेरे पास 300 से 500 तक का जॉब आ सकते हैं साल भर के अंदर, लेकिन मेरा ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि साल भर के अंदर, मैं मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि हर साल जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पास एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ मैं उतना करूँगा। गौरव सानी जी हैं, सब देख रेख करते हैं यहाँ, राधे श्याम सानी जी, और इनका ये ठेका है आप ही लोगों का, है ना। तो बहुत बेहतर, एक बार जरा कैमरे की नज़र से चारों तरफ घुमा दीजिए, देखिए किस तरह से ये तालाब रोजगार देने जा रहा है, पर्यटन के लिए एक हब बन रहा है और युवाओं को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप सोचिए कितना सोच सकते हैं, प्रशासन से अपनी बात कहिए, GDA से अपनी बात कहिए और इसमें लाइए, और रोजगार का अवसर दे रहा है ये तालाब। ये लहरों पर हम सवार हैं, ये लहर नहीं है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने की लहर है, और ये जो लहर है वो कहीं ना कहीं उम्मीदों की लहर है, युवा सोच रहा है, खुशियों की लहर है। और ये जो रामगढ़ ताल है, पहले तो मछली पालन का इसमें हिसाब किताब था, मछली पालन तो अब भी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ स्टीमर के माध्यम से, कायाकिंग बोटिंग के माध्यम से, क्रूज ड्रिनर के माध्यम से, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के माध्यम से आकर्षित कर रहा है, यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, और क्या शानदार दृश्य लग रहा है रामगढ़ ताल का। तो आगे कब तक आपकी जो ये आप बता रहे थे रेस्टोरेंट वाली एक जो आप लेकर आएंगे, क्या नाम? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कि है आपका? हमारा रेस्टोरेंट द सेलर रेस्टोरेंट पानी में हम पार्टी बोट लेकर क्या पार्टी बोट हमारा अक्टूबर के लास्ट महीने तक, लास्ट टाइम भी तक आने की संभावना है। हमारा बोट वो बन के आ रहा है कलकत्ता से, और आधे से ज़्यादा काम उसमें हो चुका है,
थोड़े कमियां बाकी हैं जो कि हमको उम्मीद है इस महीने तक के आखिरी तक पूरा हो जाएगा और अगले अक्टूबर के लास्ट तक हम इस तालाब में डाल देंगे, वो पर्यटकों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देखिए अगले महीने तक, हाँ अगले महीने तक ये बोट पर्यटकों के लिए सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देखिए कितना शानदार ये नज़ारा, हम बोट से जा रहे हैं बस जहाँ बोट अपने गंतव्य का लास्ट जो स्थान है वहाँ तक, और वहाँ लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं टिकट कटा के कि इस पे आएंगे। तो कितना शानदार ये तालाब, कितनी उम्मीद दे रहा है और कितना खूबसूरत, लोग शाम के समय में अपने बच्चों के साथ लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं इस जगह पे, पर्यटन का जबरदस्त हब। जब भी गोरखपुर आइए ज़रूर विजिट करिए, और वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो द सेलर रेस्टोरेंट है वहाँ भी जाइए, इंजॉय करिए, सब कुछ शानदार। देखिए शानदार ये स्टीमर निकल गई, और इसमें मैं आपको बता दूँ सुरक्षा के लिए ये लाइफ जैकेट है, और ये तैरने वाले भाई साहब, इनको तैराकी बहुत शानदार आती है, भाई साहब भी गौरव भी शानदार तैरते हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित हैं। ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।